अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह के करम से अच्छे होंगे आप भी ठीक है। जरा रात में जरा ठंडी थोड़ी कोल्ड ठंडा रहता है यहाँ पे, इसलिए पहन के बैठना पड़ा। आज ये वीडियो में जो बना रही हूँ, छोटा सा ये वीडियो है, ये बिग बॉस के लिए है, क्योंकि हम बिग बॉस के फॉलोवर हैं। हम बिग बॉस हर साल देखते हैं और जब कोई गलत होता है, कुछ गलत होता है तो हमारा बोलना बहुत जरूरी होता है। कुछ गलत होता है बिग बॉस में तो हमारा बोलना बहुत जरूरी होता है। जो अभी ये लड़की है, जो तेजस्विनी प्रकाश, इसने बिग बॉस में ऐसा क्या की है जो उसको ट्रॉफी मिली है? हाँ, वहां पे इतने अच्छे खेलने वाले थे, प्रतीप है, सुमिता है, उमर है, निशांत है। वो उमर तो जैसा हुआ, उमर के साथ तो ऐसा हुआ कि पूरा कुआं खोदे, जब पानी पीने का टाइम है तो उसने डोरी खींच लिया बिग बॉस ने उसकी। हाँ, उसको उस टाइम ही निकाल दिया बाहर। हालांकि कुंद्रा ने भी बहुत प्रतीप को पटका था, सब कुछ करा था, तो वो नहीं हुआ, उसमें कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लिए। हाँ चलो ठीक है, निकाल दिया उसको। तेजस्वी जो है, ये लड़की ने करी क्या है बिग बॉस में? की क्या है ये? इसने क्या करी है? कौन सा सब बड़ा कारनामा किया है? ये नहायत ही बदतमीज, बददिमाग, जाहिल लड़की है और बेशरम नंबर वन है लड़की। कुछ शर्म आया कुछ नहीं, बिग बॉस को यही, बिग बॉस में सब यही पसंद आता है। हाँ, ये लव वर्क का चक्कर चलाते रहते हैं तो एंड तक रहते हैं, क्योंकि वीकेंड के वार में सलमान ने उसको कभी कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। हालांकि इतनी बदतमीज बददिमाग लड़की है ना, मैं तो बार बार यही बोलूंगी और बोलती रहूंगी, लड़की उसको कोई हक नहीं बनता था इसको ये ट्रॉफी लेने का, कोई हक नहीं है उसको। हाँ, तो क्योंकि हम दो तीन हमने देखे ना एपिसोड, हमने दो तीन एपिसोड वीकेंड का वार हमने दो तीन बार देखे ना, तो समझ गए थे हम लोग, बोलने हम समझ गए, हमारे फैमिली में हम लोग बात करने लगे कि ये लड़की बनेगी विनर, क्योंकि सलमान की नजरें करम इसके ऊपर है, क्योंकि उनके गॉडफादर वो हो गए हैं। क्योंकि वो तो तेजस्वी कुछ भी कर ले वो कुछ नहीं बोलता था, कुछ भी नहीं बोलता था, कभी बोलेगा भी तो तेजू ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, अरे और दूसरों को करण कुंद्रा के ऊपर चढ़ो, हाँ प्रतीप के ऊपर चढ़ जाओ, शमिता के ऊपर चलो, हाँ अफसाना थी उसके ऊपर, उमर के ऊपर, जो भी है। ये लड़की इतनी बदतमीज है, वो उसका बॉयफ्रेंड उसको प्रतीप की माँ को गाली दे रहा था तो खुद प्लेट लेके नाच रही है, उसके पीछे पीछे जा रही है, इस तरह की लड़की। और जनता भी कैसी जनता है, ये सब देख नहीं रही है? हाँ, और वोट दे रही है, मतलब मेहनत से खेलने वाले की कोई वैल्यू कोई कदर नहीं है, मतलब वहां पे बिग बॉस में। बिग बॉस अब ये है ना, पब्लिक सब जानती है, समझ में आ गया ना? आप लोग कब तक ऐसा करोगे, चलाओगे अपना शो ऐसा करके? कुछ नहीं है, थोड़े टाइम के बाद ही तुम्हारा सब खलास हो जाएगा, थोड़े दिन के बाद। सब्र करो, गलत जो मेहनत कर रहा है उसको, जिसको हक जिसका हक है आप उसको नहीं दे रहे हो ना, तो गलत कर रहे हो, गलत होगा वो। देखो वो लड़की तो कोई कीमत पे लेने की ट्रॉफी के लायक नहीं थी वो लड़की, उसके बदले कुंद्रा को अगर मिल जाता ना तो भी कोई चलो ठीक था। हाँ, कुंद्रा की वजह से तो रही वो लड़की, वो करती क्या थी, क्या करती थी वो लड़की, करी क्या है आप तो बताओ ना जरा, आप लोग जनता ने जो वोट दी है करी क्या करी वो लड़की ने? तो जनता को भी सब छिछोरा पसंद आता है, ऐसा भी करने का ऐसा है। ये शो हम लोग 15 साल से देख रहे हैं तो हमारा बोलने का पूरा राइट बनता है। हाँ, और हमारे फैमिली में सब देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं इसमें, तो ये सब अच्छा लगता है क्या? उलिपट रही जाके वो सलमान बोलता नहीं ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहे हो लोग, गलत करते तो मैं बोलता था। अरे वाह, ये क्या बात हो गई, तो गलत बात है ना बिग बॉस, सही नहीं है ना ऐसा। और आपने जो ट्रॉफी दी हो ना वो गलत हाथों में पहुंचाए हो, ऐसा मत करो। जो मेहनत कर रहे इतने दिन से, सब रह रहे बेचारे सब कर रहे हो, तो बेवकूफ है, वो लोग कुछ बोल नहीं सकते ना, उनको आगे इंडस्ट्री में काम करना है ना, पता है ना? फिर आप लोगों को बोलेंगे तो क्या होगा, काम नहीं मिलेगा ना, इसलिए हम तो बोल सकते हैं ना, हम जनता है, हमारा हक बनता है पूरा बोलने का। हाँ, पूरे 4 महीने हम पूरे खपाए, हमारे बैठ बैठ के हम 4 महीना पूरा खपाते हैं, और तुम गलत इंसान के हाथ में दे दोगे। हाँ, जो ट्रॉफी है वो पूरे गलत इंसान के हाथ में दे दोगे, अभी तो माफ करना, हम कभी जिंदगी में बिग बॉस देखना पसंद नहीं करेंगे, देखना ही नहीं है बिग बॉस, अगर ऐसा चलता रहा ना तो बिग बॉस नहीं देखेंगे हम। हाँ, वो बदतमीज लड़की, उसको जरा भी कुछ बात करने की तमीज है, वो किसको क्या क्या बोलती थी, सब बोल लेती है वो लड़की, सब कुछ करती थी और बाद में बोलती थी मैंने नहीं की। और मजा ले सलमान खान उसको एक वर्ड बोल दे, कोई ऑब्जेक्शन ले सलमान खान उसके ऊपर। और प्रतीप ने तो बेचारे उसकी माँ बहन को सब माँ को गाली दी थी, 2-3 जने माँ को गाली दे दी उसकी। हाँ, वो लड़का, हालांकि पूरे शो में सलमान ने बोला है कि ये प्रतीप ने मेरी बात सुना है, तो तूने क्या किया उसके साथ में, क्या हुआ तुमने, क्या किया मिलकर उसका, सत्यानाश। हाँ, सुमिता कितना अच्छा खेली,
इतना अच्छा खेल रही थी रश्मि, चलो वाइल्ड कार्ड में आई, कार्ड में आई थी तो चलो ठीक है भाई, दूसरे तो खेल रहे थे ना, उमर को तुमने ऐसे से निकाल दी, फटाफट निकाल दी उमर को तुमने वसी। बिग बॉस ऐसा नहीं करो, पब्लिक है, जनता है, सब जानती है, ये ज्यादा टाइम तक कुछ चलता नहीं है। और जो भी ट्रॉफी भी गई है ना, जो भी बहुत गलत हाथ में गई है, गलत लड़की के हाथ में गई है, सबका हक मारी है लड़की ने, अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं हुआ बिग बॉस, अच्छा नहीं किया आपने, जो भी किया अच्छा नहीं किया। हम देखने वाले हैं, फॉलोअर हैं आपके, हम देखते हैं, तो हमको जो लगेगा बोलना हमारा काम है। आप तक ये बात पहुंचे नहीं पहुंचे, किस तरह से पहुंच जाए तो अच्छा बेहतर है, समझ में आया ना। इसलिए ये बनाना था वीडियो, क्योंकि बहुत दुख हुआ, बहुत गलत हुआ, वो लड़की हकदार बिल्कुल नहीं थी इसकी, लेकिन क्या करेंगे भाई, उनका नजर करम हो गया ना उनपे, सलमान जी का नजर करम है उनपे, तो फिर जाहिर बात है उनको ही मिलेगा। कि तीसरे हफ्ते में हमने बोल दिए थे कि लड़की जीतेगी, क्योंकि यहाँ का इनका नजर करम इसके ऊपर हो गया है, ये कुछ बोलता नहीं है सलमान उसको, कुछ भी गलती कर ले, कुछ भी कर, उसको कभी उसने बोला नहीं है, कुंद्रा के पीछे पड़ा रहा, हाँ सबके पीछे, बाकी सबके पीछे पड़ा, सबको चढ़ चढ़ के चिल्ला चिल्ला के बोला, उमर को तो कितना चिल्लाता था, हाँ, और लड़की को कुछ नहीं बोलता था, तो क्या मतलब सब हम लोग क्या पागल है क्या, हाँ जनता पागल है क्या। और हमेशा भाई लड़कियों क्यों बनती विनर, लड़कों को भी बनाओ ना कभी विनर, लास्ट ईयर भी बनी थी ना एक लड़की, अभी भी एक लड़की, अभी एक लड़के को बनाओ ना, किसी लोग को भी तो चांस दो ना बनाने का। और भाई बिग बॉस जो भी हो रहा है ना गलत हो रहा है, ट्रॉफी तुम्हारी इस टाइम की ट्रॉफी तुम्हारी बहुत गलत हाथ पे, गलत हाथों में चली गई है, बहुत गलत गलत लड़की को दिया आप लोगों ने, बहुत गलत लड़की को दिए, जिसने कुछ भी नहीं करी, चिल्लाने से कभी शो नहीं चलता, खाली चिल्ला चिल्ला के चिल्ला चला गया, और शक्ल से भी नहीं चलता है, दिमाग से चलता है, जो दिमाग से मेहनत से खेले उनका सब पानी। चुपचाप चुपचाप निशान ने अच्छा किया, उसको मालूम था, उसको कुछ तो पता लग गया था कि भाई यहाँ जीत नहीं सकते, मालूम है कौन जीतेगा, उसने बराबर 10 लाख तो लिया, तो उसके हाथ में पूरे 50 तो लेके चली जाती थी वो, अच्छा उसके 10 लाख तो कट हुए, और हम तो जरा भी कुछ नहीं है उसको, बदतमीज लड़की से, बेकार लड़की एकदम, क्या करी कुछ नहीं करी, और जबरदस्ती का ट्रॉफी लेके नाच रही है। ट्रॉफी दिया किसने, सलमान ने दिया, बिग बॉस ने दिया ना, बिग बॉस ने दिया, सलमान बोलेगा मैंने बिग बॉस दिया ना, हाँ तो बिग बॉस आप गलत हाथों में चीजें दे रहे हो, हक का किसी का हक का है ना, आपने हक मार दिया हो किसी का, इंसान का, समझो मेहनत करता था ना उसका हक मारे हो आपने, ठीक है। ये बोलना था, ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना था मुझे, अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करो, जो भी करो, मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दी, समझ में आया, क्योंकि हम देखते हैं, हमको बहुत बहुत मेरे को तो इतना गुस्सा आ रहा था ना कि पूछने की बात नहीं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते ना, बोल तो सकते हैं ना, हमारी भड़ास तो निकालेंगे हम, भड़ास और ये ना कहीं गलत होगा ना तो कभी चुप बैठूंगी नहीं मैं, कोई भी गलत होगा तो चुपने बैठने वाले हैं, वो गलत हुआ है सबके साथ में, गलत हुआ है। तो बिग बॉस आप नेक्स्ट टाइम सोचो जरा, समझ में, जिसका जैसा ये नहीं हो जाए कि आपका शो ही वो खत्म हो जाए, क्योंकि सबको मालूम पड़ जाता है क्या है क्या नहीं है, आज नहीं तो कल, ठीक है। चलिए दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखना, ये मेरा मैसेज था बिग बॉस के लिए, ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज़।